हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मिता सिंह में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे और बिल्कुल ठीक है। तो हम अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल को, पहुंच गए हैं अनियस के आंटी के पास। और भानु कह रही है कि भानु आई है मत कहना, क्योंकि भानु के लिए ही हॉस्पिटल जा रहे हैं। उसने रात में खाना भी नहीं खाया था, कह रही थी कि मैं आप लोग पैसे नहीं दे रहे हो तो क्या कहते हैं मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ करके। तो अब मम्मी ने दे दिए हैं इसको पैसे, अब अपने दांत सही करवाने जा रही है। कह रही है कि अगर मेरे दांतों का गड्ढे नहीं भरे जाएंगे तो मेरी शादी नहीं होगी कोई ले। तो दोस्तों, भानु के दांत सही करके तो हम लोग आ गए थे घर दिन में ही। तो बहुत ठंडा हो रहा था, फिर बूबू आए हैं तो दो तीन महीने से सब लोग बूबू को देखने आ रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो कैसे हैं करके। अब शाम हो गई तो खाना बना लेते हैं। दीक्षा ने उसमें सब्जी चढ़ाई है, कौन सी वाली सब्जी चढ़ाई? बीन्स की, सीमी की सब्जी। और तो अब रोटी बनाने लग गई है तो मैं भी लग जाती हूँ रोटी बनाने में, नहीं तो सारा काम देवरानी जी अकेले अकेले करेंगी तो क्या कहते हैं मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्या पता देवरानी जी को भी गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा तो नहीं आता है, मैं मजाक कर रही हूँ ऐसी। और आज बुआ भी आई है घर में तो क्या कहते हैं फटाफट बना लेते हैं। बुआ लोग दिन भर काम करते हैं तो शाम को जल्दी खा लेते हैं खाना। तो डुग्गू पढ़ाई कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, शैतानी कर रहा है, टीवी देख रहा है, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है। तो अब बना लेते हैं रोटी, दीक्षा बेलेगी मैं सेकूंगी, ठीक है दीक्षा? हाँ, मम्मी पापा का खाना दिया गो। हाँ, तो दोस्तों बना दिया है हमने खाना, तो अब खा लेते हैं। मम्मी से पूछती हूँ कि वो पापा को खाना दे के आ गई कि नहीं। पापा आए हैं आज तो अब बहुत खुश हो रखी है मम्मी। और भानु तो खाना खाने ही नहीं आ रही है क्योंकि पापा बिस्कुट और सेब लाए थे, अभी ऊपर आई है, सेब और बिस्कुट खा के ही जी रही है। चखा भी नहीं मतलब। ओ मम्मी पापा का खाना दिया गो? हाँ दिया गयो। ये वाला खा हा पापा आलू खान चोर। अच्छा, आए दिन से है ना? अब तुम उनका कस लगना हो? साग बढ़िया लगना हो, फर्स्ट क्लास, ड्यूटीफुल ड्यूटीफुल टेस्टी मोनी है, टेस्टी मोनी, टेस्टी ब्यूटीफुल होता है। अच्छा टेस्टी 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 है रो। अच्छा वाला खा सकते हैं तो मम्मी खा हा चाट चाट भेर थाली लपा लप लगा रहा है। और अब भानु अचार का डब्बा पकड़े हुए खड़ी है क्योंकि कह रही है सब्जी तो मैं नहीं खाऊंगी। बल खालू वाला बताओ ना, अब मेरे से पूछ रही है खालू करके खा ले। अरे मतलब पक गया है तो हो गया है तो, नहीं भी हुआ है तो तब भी खा ले। कैसा खिलाए फिर? अब कह रही है ऐसा ही खिलाओगे। और दीक्षा नींबू से तवे को साफ कर रही है क्योंकि भानु साफ करके बर्तन धोती नहीं है तो सारा खराब कर रखा है। दीक्षा काय से साफ कर रहे हो? मैंने धोए बर्तन आज, नमक और नींबू से साफ कर रही है। मैं धोती हूँ बर्तन, देखो घिस घिस के साफ, ये घसा घस लगा रखे है यहाँ। नहीं धोती है क्या? चपड़ी चपड़ी। और बुआ आई है तो देखती हूँ, बुआ लोग सो गई, बहुत ठंडा हो रहा है, सो गए कि नहीं सो गए हैं करके। बुआ आई है क्या? हाँ आई है, भानु को तो पता भी नहीं है बुआ आ गई है, सो गई है बुआ। ये बुआ ब्लैक, यहाँ साहब नहीं दिख रहा है और बुबू वहाँ पे बैठे हैं शायद अपना जुगाड़ ढूंढे। तो दोस्तों यहाँ इतना ठंडा होने लग गया है पहाड़ में तो हम लोगों की रजाई निकल गई है और बहुत ही ठंडा हो रहा है। बुआ को क्या कहते हैं एक कंबल एक रजाई दे रखी है, बहुत हमें भी बहुत ठंडा लग रहा है और बुबू भी रजाई ओढ़ के बैठे हैं, ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। और ये डुग्गिया महाराज ऐसे सो रखा है, ये देखिए नींद आई है इसको, आड़ा तिरछा सोया है। हाँ चलो बुआ सहजो अपा। हाँ अब देखती हूँ कि महाराज जी ने खा लिया है कि नहीं खा लिया खाना। खाना खा लिया तुमने? खाना खा लिया? ऐसा कर रहे हैं, मुंडी हिला रहे हैं, खा लिया है। और अरे थाली तो यहाँ पे रखी है, सब्जी बचा रखी है इन्होंने और अंडे के साथ ही खाई है रोटियाँ और सब्जी बचा रखी है। पता नहीं इन लोग को पहाड़ी सब्जी अच्छी नहीं लगती कि पता नहीं क्या है। तो भानु का खाना अभी शुरू हो रहा है, सब लोग खा चुके हैं और बर्तन धोने पड़ेंगे करके। हाँ ये सबसे बाद में आई, अभी इतने बर्तन हो रखे हैं, अभी खा रही है, ये बहुत तेज है, पढ़ाई करनी है कह रही है। इस बार इसका हाई स्कूल का है, पता नहीं पढ़ी है कि खाली कही रही है।
और मम्मी भरी गो डम पेट भरी गो ओ डमडमान है गो। अरे उठी ना कि ना ठाड़े उठीन ना उठीन ने अरे भाभी आज तो भाभी आज हाथ धोली मैं होए भाभी हाँ इसमें तो मसाला नहीं है। मसाला नहीं है मसा मैंने इसमें तो मसाला खा लिया था फिर तब अचार डाला था मसाला खा गई थी मैं पहले ही तो मम्मी आप लोग को सुना रही है गाना तो सुनिए आप लोग कहो कहो छिटाओ अरे आज मैं तो निशास की राग रहा बाजू आ रही बाजू तो को हिटो मैं तो तो दोस्तों मम्मी ने गाना सुना दिया आप लोग को अच्छा लगा होगा उम्मीद करती हूँ और आगे भी मम्मी सुनाते रहेंगे ऐसे गाना तो अब बर्तन भानु धोनी रही है तो मुझे धोने हैं इसलिए आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं करती हूँ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना बाय बाय।